हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी मोबाइल में फुल स्क्रीन स्वाइप जेस्चर इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, Realme 3 Pro या Redmi Note 7 Pro, इन सब मोबाइल में जो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आ रहे हैं उसमें बोथ साइड से स्वाइप जेस्चर इनेबल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, बड़े ही आसानी से आप सेटिंग में जाकर इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में वो अपडेट नहीं आया है जिससे कि आप स्वाइप जेस्चर इनेबल कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉइड में आप स्वाइप जेस्चर नेविगेशन इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, किसी भी मोबाइल में बोथ साइड से स्वाइप जेस्चर नेविगेशन इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऐप इंस्टॉल करना होगा, फुल स्वाइप जेस्चर। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसकी साइज मात्र 2 MB की है, तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। अब इसे चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इस परमिशन को आपको इनेबल कर देना है ताकि ये दूसरे ऐप के ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी सर्विस, तो इसे भी आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक्सेसिबिलिटी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन जेस्चर को इनेबल करना होगा। यहाँ पे ओके प्रेस करना है और ये एप्लीकेशन अब पूरी तरह से लोड हो जाएगा और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, ऊपर के तीन वन लेफ्ट एज, राइट एज और बॉटम एज, ये तीनों इनेबल्ड होने चाहिए ताकि आप लेफ्ट एज से रिसेंट ऐप चेक कर सकते हो, राइट एज से बैक कर सकते हो और बॉटम से आप होम पे जा सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कि यहाँ पे आप डिस्प्ले का कलर चेंज कर सकते हो, इट मीन जो स्वाइप का बटन होगा वो जो आएगा उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहेवियर भी है, तो बिहेवियर में आप वो स्ट्रेंथ सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और जैसे ही आप एक बार सेट कर लो तो फिर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को इनेबल कर दिया है और अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ इस तरीके से, राइट साइड से मैं स्वाइप करूँगा तो ये देखिए बैक हो रहा है, और अगर लेफ्ट साइड से स्वाइप करता हूँ तो ये देखिए रिसेंट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में दोस्तों स्वाइप जेस्चर नेविगेशन को यूज कर सकते हैं। इवन आपके OS का अपडेट में ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो किसी भी डिवाइस में। Redmi 5A, Redmi 6 में मैंने ये टेस्ट करके देखा है दोस्तों, और ये डिवाइस जो है अभी वो Redmi 6 ही है और इसने भी ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसे आप बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हो फुल स्क्रीन जेस्चर का। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्लैक दिखेगा और बाकी सब कुछ एज यूजुअल ही काम करेगा जैसे फुल स्क्रीन जेस्चर बाकी सारी डिवाइस में काम करता है। यहाँ पे आपको टॉप में नोटिफिकेशन में आपको ये शो करेगा फुल स्क्रीन जेस्चर इनेबल है, तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करके एंड्रॉयड सिस्टम के ऐप आइकन बैच में नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिसेबल करना होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।